ये जम्मू स्मार्ट सिटी की आपको आर्टिफिशियल लेक हम बता रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं, ये आपको हम जम्मू स्मार्ट सिटी से बता रहे हैं, जहाँ पर लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। लोग यहाँ पर आप देखिए दूर दूर तक आपको ये पूरी रोड पानी में जो है वो तब्दील हो गई है, नहर जो है वो ये रोड बन चुकी है। ये रोड जो है ये सीधे पवन आइसक्रीम से सीधे जीवल को जाती है। और आप देखिए कि इधर पानी और पानी की हालत, लोग जो है वो अपनी गाड़ियां लेकर यहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि गाड़ियां जो है वो आगे जाएंगी नहीं, क्योंकि पानी देखिए नहर जितना पानी यहाँ पर बन चुका है। दूर दूर तक अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि आप जूम मारे और देखिए दूर दूर तक आपको पानी नजर आ रहा होगा। हर साल यहाँ पर यह हालत होती है, हर साल लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो देखने को मिलती है क्योंकि लोग जो है वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम बताएंगे पूरी कि लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। स्कूटी वाले पीछे से आ रहे हैं, देखिए वहीं से मोड़ कर जो है वो जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी कि आप पीछे दिखाएं कि किस तरह से गाड़ियां जो है वो मोड़ कर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जम्मू स्मार्ट सिटी की, आर्टिफिशियल लेक जो है वो इस वक्त ये बन चुकी है, लोगों को काफी दिक्कत आ रही है, गाड़ियां जो है वो वापस मोड़ कर लेकर जानी पड़ रही है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस समय आप तस्वीरें देखिए दूर दूर तक आपको पानी जो है वो दिख रहा है, और वहीं अगर हम बात करें तो देखिए ये हालत है, ये पानी है और यहाँ से लोग कैसे जाएं, ये स्मार्ट सिटी की हालत है जिसे बड़े बड़े दावे करके कहा जाता है कि ये जम्मू स्मार्ट सिटी है। पर कहीं ना कहीं आप सभी से मैं पूछना चाहूँगी कि आपको किस तरह से ये लग रहा है कि ये स्मार्ट सिटी है? कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ से एक आर्टिफिशियल लेक यहाँ पर बन चुकी है जहाँ पर लोग स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी हो चुका है कि लोग यहाँ पर स्विमिंग कर सकते हैं? पर कहीं ना कहीं आप हालत देखिए स्मार्ट सिटी की कि लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और सुबह जो है वो ऑफिस का टाइम होता है, स्कूल का टाइम होता है बच्चों का, कई सारी बसेस कई सारे गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं पर लोगों को दिक्कत काफ़ी हो रही है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ से बिल्कुल उस पार तक यानी जितनी भी ये रोड है वहाँ पर आपको सिर्फ पानी दिखेगा और सिर्फ पानी दिखेगा। कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत आ रही है, ऑफिस जाने वाले जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं उन्हें दिक्कत आ रही है, जितने भी व्हीकल के ओनर हैं जो अपनी गाड़ियां लेकर यहाँ से जा रहे हैं जितनी भी गाड़ियां हैं उन्हें दिक्कत आ रही है। क्योंकि पहले भी हमने आपको तस्वीरें बताई जिसमें मेटाडोर जो है वो पानी में फंस चुकी थी, और उससे ज्यादा पानी आपको यहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पर लोग जो है दूर दूर तक आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, उसके बाहर उस साइड आपको लोग दिख रहे होंगे जहाँ पर लोग जो है वो काफी चीजें जो है वो देख रहे हैं कि आखिर हम यहाँ से कैसे जाए। और जितनी भी गाड़ियां आ रही है वो मुड़कर जो है वो जा रही है। पीछे की तस्वीरें हमने आपको बताई कि किस तरह से देखिए इस समय भी जो है पीछे से एक स्कूटी आ रही है, पर वो कैसे यहाँ से मुड़कर जाएंगे, देखिए कितनी ज्यादा दिक्कत जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये तमाम तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों को, जो आम लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है कि आखिर वो यहाँ से जाए तो जाए कैसे। जितने भी गाड़ियों के ओनर्स हैं वो सोच रहे हैं कि हम यहाँ से कैसे जाए, बारिश से जो है वो लोग बच सकते हैं पर पानी से कैसे बचे। अब आप सभी जानते हैं सब जितने भी इम्प्लॉयज हैं वो अपने ऑफिस की यूनिफॉर्म्स पहनकर, स्कूल्स के बच्चों की बात करें वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं, पर कहीं ना कहीं ये सब दिक्कत से काफी परेशान जो है वो हो रहे हैं। और जम्मू की सड़कें इतनी कमजोर है कि थोड़ी सी बारिश से आने से वो टूट जाती है, और बारिश आने से आप हालतें देखें, ये हालत जो है ये बन जाते हैं जम्मू की, जहाँ जम्मू की सड़कें जो है वो नदी में जो है यानी अगर हम बात करें नहर में जो है वो तब्दील हो जाती है। लोगों को दिक्कत काफी देखने को मिलती है, काफी ज्यादा जो है वो लोग परेशान है कि आखिर हम, बारिश आती है लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जो है वो मिलती है, लोग कहीं ना कहीं गर्मी से जो है वो छुटकारा पाते हैं, पर आम जनता कहाँ जाए, ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर बताएं कि आखिर जो है कहीं ना कहीं लोग वहाँ से जाते हैं पर यहाँ से जो है वो शॉर्टकट होता है तो लोग यहाँ से जल्दी जो है वो चले जाते हैं। फिलहाल आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, आपके वहाँ पर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है? कई सारी जगह है जहाँ पर घर टूट जाते हैं, अगर हम बात करें पेड़ गिर जाते हैं, काफ़ी सब चीज़ें देखने को मिलती है। फिलहाल आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।